हम एक वेरिएबल मास का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। इसमें एक कारपेट है, इस कारपेट को हम फोर्स एफ से मूव कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट है। इनिशियली ये कारपेट हमारा पूरा फ्लैट था, नीचे ऐसे रखा हुआ था। ये कारपेट का इनिशियल अगर देखें तो यहाँ पे था, तो मैं इसमें एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो कारपेट का इनिशियल एंड पॉइंट था ये था। मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कारपेट को इस पोजीशन में ले आया और फोर्स मैं एफ अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं इस एंड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ बी। ये एंड अगर ए है, ये आपका एंड बी है, तो भले ही ये कारपेट आप इसको ध्यान से देखिए पूरा, ये तो इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच तो नहीं होगा। अगर ये एंड वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी, पूरे कारपेट ये वाला पार्ट जो है वेलोसिटी वी से ही चल रहा है। लेकिन ये एंड का वेलोसिटी मैं अगर आपसे पूछूं, जहां पे ये फोल्ड हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी वी नहीं होगा। देख लीजिए कैसे, ये वी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये यहां से फोल्ड होके इसमें उठ रहा है, उसी वजह से ये वी नहीं होगा। भले ही इस पार्ट का वेलोसिटी वी है, लेकिन जहां पे बेंड होके फोल्ड हो रहा है वो वेलोसिटी वी नहीं होगा, वी बाय टू आता है। ऐसी सिचुएशन में निकाल के दिखाता हूं, ये x है, ये भी x होगा क्योंकि जितना कारपेट यहाँ से उठा वही कारपेट तो यहाँ गया, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो रेफरेंस से ले लीजिए, ये एंड ट्वाइस x पे होगा। इस एंड का वेलोसिटी दिया हुआ है v, मींस d अपॉन dt ऑफ ट्वाइस x, ये वाले डिस्टेंस का वेलोसिटी v रहेगा, मींस dx अपॉन dt is v upon 2। पहली चीज तो ये निकल के आई, मींस इस पॉइंट का वेलोसिटी v upon 2 होगा। हमें निकालना है फर्स्ट कि इसके लिए फोर्स कितना चाहिए वेलोसिटी के टर्म्स में और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट का जो मूविंग पार्ट है इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। v नहीं होगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे इस एंड का वेलोसिटी v नहीं है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ और ही आएगा, लेकिन उसको हम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहली चीज, इस पे फोर्स कितना लगाना है। इसका पहले मोमेंटम देख लीजिए, मोमेंटम होगा मूविंग पार्ट का मास अगर m डैश है, वेलोसिटी तो मूविंग पार्ट की v है, इससे मत कंफ्यूज कीजिए। ये फोल्डिंग वाले एंड की वेलोसिटी v upon 2 होगी, लेकिन ये जो मूविंग पार्ट है ये वाला कारपेट ऊपर जो फोल्ड हो गया ये, और ये बहुत छोटा आर्क है, इसको आप छोड़िए, ये जो हुआ इसका वेलोसिटी तो v है क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। इस एंड का v है तो यहाँ भी v होगा, सब पार्ट v से ही मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अलग होगा, उस पर बाद में आएंगे। सो मोमेंटम हो गया m डैश इनटू v, m डैश का वैल्यू कितना है मास पर यूनिट लेंथ, ये मास m डैश इस मूविंग पार्ट का है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कितना है x। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ dp अपॉन dt, ये p है आपका, ये हुआ d अपॉन dt m डैश v, v कांस्टेंट है तो v dm डैश अपॉन dt, और dm डैश अपॉन dt क्या होगा, dm डैश अपॉन dt का वैल्यू आएगा लेमडा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt का वैल्यू v अपॉन t है, dm डैश अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा v अपॉन 2। सो dp अपॉन dt इज लेमडा v स्क्वायर अपॉन 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स का आ गया ये आंसर लेमडा v स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको निकालना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। इसका सेंटर ऑफ मास का है मूविंग पार्ट का,
x अपॉन टू पे होगा, यहां से x अपॉन टू पे होगा, लेकिन हमेशा हम फिक्स रेफरेंस से ऐसा प्रॉब्लम करते हैं. तो फिक्स रेफरेंस से डिस्टेंस हुआ 3x अपॉन टू सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का हुआ. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, d अपॉन डी टी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से 3x अपॉन टू. तो 3 अपॉन टू डी एक्स अपॉन डी टी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, v अपॉन टू. सो 3 v अपॉन 4, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास.